आपके पास वीवो Y28 सीरीज का कोई भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप अलार्म सेट कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो अलार्म की सेटिंग के लिए क्लॉक पे जाएंगे, यहाँ पे इस टाइप से ओपन होगा तो यहाँ पे अलार्म पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे दो अलार्म ऑलरेडी आपको मिल जाते हैं, जो कि एक 8:30 बजे का सुबह का है, एक 9 बजे का सुबह का है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इन्हीं को ऑन कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली ऑन कर देंगे, चेक मार्क पे क्लिक कर देंगे, ऑन हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज़ ऑन नहीं करनी, आपको अपना नया अलार्म सेट करना, तो यहाँ पे आप जाएंगे प्लस पे, यहाँ पे टाइम को चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे को करना है, ये वाला कीबोर्ड कर लेंगे, जैसे करना है सुबह 5 बजे का 00 AM PM सेट कर लेंगे, तो यहाँ पे AM कर दिया मॉर्निंग के लिए। और इसके बाद रिपीट पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे, हर दिन का चाहिए तो सबको चेक मार्क कर देंगे, जिस दिन नहीं चाहिए उसको अनचेक कर देंगे, इस दिन अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन मैं हर दिन का करके ओके कर दूंगी। अलार्म का यहाँ पे साउंड या रिंगटोन चेंज कर सकते हैं और इसके बाद बैक कर लेंगे। इसके बाद वाइब्रेशन को ऑन रखना है, वाइब्रेशन का पैटर्न यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लेवल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप कुछ भी लिख लेंगे, जैसे कि इस टाइम पे आप उठ के क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ये लेवल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है, रिमाइंडर होता है एक तरह से। और रिमाइंडर आ जाता है कि हर 10 मिनट में आपका अलार्म बजना चाहिए कि हर 15 मिनट में, तो ये आप देख लेंगे। तो मैं 10 मिनट आपको रेकमेंड करूँगी। इसके बाद यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं करना है, यहाँ चेक मार्क पे क्लिक कर देना, अलार्म आपका सेट हो चुका है। टर्न ऑफ करना है तो टर्न ऑफ कर लेंगे। अब जाएंगे आप 3 डॉट पे और सेटिंग पे और अलार्म से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स है एडिशनल, वो कर लेंगे। तो साइलेंट कितने मिनट बाद होना चाहिए, 5 मिनट या 1 मिनट, तो यहाँ 5 मिनट कर लिया। अलार्म का वॉल्यूम कितना रखना है वो देख लेंगे, इसको 5 सेकेंड कर लेंगे ताकि अचानक से बहुत तेज़ अलार्म ना बजे, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो वॉल्यूम। और यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर लेंगे, इसको डिसमिस कर लेंगे ताकि वॉल्यूम या फिर पावर बटन दबाते ही अलार्म कट जाए। और यहाँ पे पावर बटन, पावर ऑफ अलार्म रिंगिंग, ये ऑन कर देंगे ताकि अगर फ़ोन अगर स्विच ऑफ भी हो गया है ना तो भी अलार्म बजे। इसको आप छोड़ देंगे, बैक कर लेंगे। तो इस टाइप से आप सेटअप कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।